और ये जरूर बताना, गोपियों की जिंदगी जिंदगी नहीं है, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार हमें दर्शन देना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं देख सकते। एक बात नहीं करी जुदाई की Yeah.
द्वारिका में जब हुआ था, आनंद के पुत्र थे रेवतक और रेवतक की एक लड़की थी रेवती। रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाल दी, अर्थात बलराम का विवाह रेवती से हुआ। लेकिन भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ और कहां से हुआ? जब लड़की का जन्म हुआ, अकस्मात बाबा नारद का पदार्पण हुआ, भीष्मक बड़े मगन हुए और जवाब दिया, महाराज शुभ घड़ी पे आप आए हैं, हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करें और उसकी दुर्दशा बता दें, साथ साथ ये भी बता देना कि हमारी बेटी की शादी किसके साथ में होगी। तो देव ऋषि नारद भविष्य की बातें बताते हुए बोले,